जब हिरण का शरीर उनका छूटा तो पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, और मनुष्य जीवन जब प्राप्त हुआ तो अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के कुल में इनका जन्म हुआ। जन्म से ही परम ज्ञानी, किसी से कोई मतलब नहीं। पूर्व जन्म की स्मृति के कारण सावधान रहे कि थोड़ी सी भूल होने के कारण 3 जन्म तक हमको भटकना पड़ा। अब फिर मनुष्य जीवन मिला है, अगर किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में कहीं भी मेरी ममता होगी तो यह ममता मुझे बंधन में डाल देगी। जन्म से ही वैराग्य संपन्न, मां दे देती तो खा लेते, नहीं देती तो कोई बात नहीं, मांगने भी नहीं जाते। धीरे धीरे बड़े हुए, समय आने पर पिताजी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, और यज्ञोपवीत संस्कार में पिता जो है गायत्री मंत्र का उपदेश करता है। पिताजी ने गायत्री मंत्र सुनाया, बोले इसे याद कर लो, ब्राह्मण को गायत्री का जप करना चाहिए। तो सब प्रणव शिरस्त्रिपदीम सावित्रीम ग्रीष्म वासांतिकान मासान अधीयानमपि असमवेत रूपेण ग्राह्यामास। पिताजी ने गायत्री मंत्र सुनाया लेकिन सुन करके उसे याद नहीं किया। याद तो इनको सब था, पिछले जन्म की सब याद बनी है तो गायत्री मंत्र याद करने में कितना देर लगेगा। लेकिन पढ़ करके पिताजी को नहीं सुनाया। क्यों? बोले पिताजी सुन लेंगे, जान जाएंगे किसको याद हो गया तो कल दूसरा मंत्र पढ़ाएंगे, फिर वो सुनाऊंगा तो तीसरा पढ़ाएंगे, फिर पूरा वेद पुराण रामायण सब हमको पढ़ा देंगे और फिर लोग जान जाएंगे कि ये बड़ा विद्वान हो गया, फिर लोग बुलाएंगे, आओ मेरे यहाँ यज्ञ कराओ, मेरे यहाँ पूजा कराओ, ये कर्मकांड कराओ, वो विधान कराओ, फिर पिताजी हमको जजमानों के घर भेजने लग जाएंगे, और जजमानों के घर भेजेंगे तो जजमान लोग दक्षिणा देंगे, पूजा चढ़ाएंगे, फिर जब संपत्ति घर में आएगी तो पिताजी मेरा ब्याह कर देंगे, फिर तो लड़के बच्चे हो जाएंगे, फिर उसी संसार प्रपंच में मैं उलझ करके अपने मानव जीवन को समाप्त कर लूंगा, इससे अच्छा कुछ नहीं करना। प्रपंच को बढ़ाना ही नहीं, वो प्रपंच का मतलब बताए ना, पचिविस्तारे, आप जहां विस्तार करना शुरू करोगे वो प्रपंच फैल जाएगा। गायत्री मंत्र पढ़ करके नहीं सुनाया। 6 महीने तक इनके पिताजी रोज रटाते थे, गायत्री मंत्र बोलते थे, कहते बोलो ओम भूर्भुवस्वः। 3 बार जब उनके पिताजी कहें तो एक बार बामुश्किल बोले, और कहें क्या, बोले भूर भूर भूर, कुछ भी बोल देते उल्टा पलटा, सही नहीं बोलते। पिताजी थक गए, पिताजी ने कहा ये तो महामूर्ख है, आज के जैसे ब्राह्मण तो तब थे नहीं महाराज, आज तो ब्राह्मण के बच्चों को वेद पढ़ने के लिए किसी दूसरे के पास जाना पड़ता है। प्राचीन काल में हर ब्राह्मण अपने माँ बाप, अपने पिता से ही वेदादि शास्त्र का अध्ययन करते थे, क्योंकि सभी ब्राह्मण वेद वेदांत के विद्वान हुआ करते थे, घर में ही सारी विद्याएं प्राप्त होती थी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और केवल ब्राह्मण में ही नहीं, समस्त विद्याएं, चाहे वेद विद्या हो, आयुर्वेद विद्या हो, चिकित्सा विद्या हो, कला हो, स्वर्णकारी हो, व्यापार हो, संगीत विद्या हो, सब परंपरा से अपने कुल खानदान से ही विद्याएं व्यक्ति को प्राप्त हो जाती, यही परंपरा थी प्राचीन। पिताजी इनके थक गए, पिताजी ने कहा तो महामूर्ख है, जड़ है, जड़ माने मूर्ख। उसी दिन से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत, जड़ भरत। समय बीता, पिता की मृत्यु हो गई, मां की भी मृत्यु हुई, घर में जो भाई था उसका साम्राज्य हुआ, इनका तो ब्याह हुआ नहीं, घर में रहते। अब माँ बाप के चले जाने के बाद जो भाभी थी, भौजाई, वो कुछ दे देती थी खाने होने को, लेकिन कब तक दे, संसार के लोग तो व्यवहार अपने ढंग का करते हैं, ये दुनिया स्वार्थपूर्ण है। कुछ दिन तक तो उसने भोजन दिया, फिर उसने अपने पति को सिखाया, बोले ये तुम्हारा भाई निखट्टू बैठा रहता है, केवल खाता है, करता कुछ नहीं, कुछ इससे काम लिया करो। तो भाई लेकर के खेत में गया काम कराने के लिए। भरत जी ने सोचा, जड़ भरत जी ने, कि अगर आज हम काम करेंगे तो कल ये फिर हमसे काम कराएगा, परसों दूसरा काम कराएगा, फिर तो हम की खेत ही जोतते रह जाएंगे। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, भगवान के भजन के लिए जीवन मिला और ये दुनियादारी फिर शुरू हो जाएगी। बोले तो कुछ नहीं, भाई ने कुदाल पकड़ा दिया और कहा यहाँ खेत को खोद डालो, इसको बराबर करो, इसमें बीज बोना है।
बता करके भाई चला गया, खोदने लगे, एक ही जगह खोदते रहे, खोदते खोदते बहुत बड़ा गड्ढा खोद डाला, हमारा कुआं तैयार कर दिया, एक ही जगह खोदते रहे। भाई थोड़ी देर बाद आया देखने के लिए कि कितना काम हुआ, तो भाई ने देखा, अरे तूने खेत में ही कुआं बना दिया, अब तो इसी में हम लोग गिरेंगे। तो जड़ भरत जी ने कहा, भैया जैसा आपने कहा था खोदो, तो हम खोद रहे थे, खोद ही रहे थे। भाई परेशान, भाई ने सिर पीट लिया, बोले तो बड़ा पागल है, खेत में ले गया दूसरे मक्का के खेत में बैठा दिया, बोले यहां बैठो और बैठ करके फसल की सुरक्षा करो, पक्षी आएंगे, पक्षियों को देखना, फसल को नुकसान न हो। ठीक, बैठ गए। पक्षियों का समूह आया मक्के की फसल पर बैठकर, मक्के के दाने को पक्षी खाने लगे, चहकने लगे पक्षी। तो जड़ भरत जी महाराज चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे, वाह कितने सुंदर हैं ये, भगवान की सृष्टि कितनी दिव्य है, ये सुंदर सुंदर पक्षी, इनके रंग कितने अच्छे हैं, इनकी वाणी कितनी मधुर है, ये बेचारे कहाँ खेती करने जाएंगे, इनको कहाँ मिलेगा, खाने दो, हाँ खूब खा रहे। चुपचाप बैठे बैठे भगवान का नाम लेते, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खुआते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब महाराज भाई आया, भाई ने देखा, अरे पागल, ये सब पक्षी जो है फसल को नुकसान कर रहे हैं और तुम देख रहे हो। बोले भैया तुम्ही ने तो कहा था कि पक्षियों को देखना, तो हम देख रहे हैं। वाह, भाई ने कहा निकल जा मेरे घर से, अब तुझे हम बैठा करके नहीं खिला सकते। घर से निकाल दिया। जड़ भरत जी ने कहा चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, जो भगवान का भक्त है, जो वैराग्य संपन्न है, उसके लिए सारी पृथ्वी ही अपनी है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र है उसके लिए पूरी वसुधा ही उसका परिवार है। सकल भूमि गोपाल की, सारी भूमि भगवान की, चाहे जहां जाओ। और जब तक तुम मानोगे कि इतना ही मेरा है, तो फिर वहीं रहोगे, और मानो तो सारी दुनिया तुम्हारी है, कहीं जाओ, सब भगवान का। चल पड़े भरत जी महाराज, घूमते हुए जा रहे थे, कोई चिंता नहीं। रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में कुछ डाकू थे, उन डाकुओं का जो सरदार था, वो कई दिनों से देवी की पूजा कर रहा था, भद्रकाली की। आज उसकी पूर्णाहुति का दिन था, उसने संकल्प किया था किसी मनुष्य की बलि चढ़ा करके मैं पूर्णाहुति करूंगा, देवी की पूजा पूर्ण करूंगा। डाकुओं से कहा जाओ देखो कोई आदमी मिले तो पकड़ के ले आओ। जड़ भरत जी आ रहे थे, पकड़ लिया डाकुओं ने, लेकर के गए देवी के मंदिर के सामने, खड़ा किया, स्नान कराया, लाल रंग के कपड़े पहनाए, लाल रंग का चंदन लगाया, अढ़ोल के फूल की माला पहनाई, और अपने तांत्रिक मंत्र क्राम क्रीम क्रोम क्राम जो सब मंत्र होता है, सब मंत्रों का उच्चारण किया उस डाकू ने। उसकी प्रक्रिया को और विधि को देख करके जड़ भरत जी जान गए कि ये हमारी बलि चढ़ाएगा। ज्ञानी थे, पिछले जन्म का सब कुछ उनको स्मरण था, वेदादि शास्त्र का सब ज्ञान था, परमहंस थे, जान गए, लेकिन विरोध नहीं किया। चलो शायद इसी प्रकार मेरी मृत्यु लिखी होगी, तो कोई बात नहीं, मैं भगवान का स्मरण करता हूं। भगवान का स्मरण करने लगे और चुपचाप खड़े रहे। वो डाकू अपना सब मंत्र पढ़ रहा था, और मंत्र वंत्र पढ़ने के बाद डाकू ने जब अपनी तलवार उठाई मारने के लिए, तब तक सामने जो भद्रकाली की प्रतिमा थी, भगवती दुर्गा की प्रतिमा थी, उस दुर्गा की प्रतिमा में तड़ाक की ध्वनि हुई और प्रतिमा बीच से फट गई। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, तदुपलभ्य ब्रह्म तेजसात दुर्विषहेण दंदह्यमानेन वपुषा सहसोच्चाट सैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली की प्रतिमा फट गई और भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई, और तलवार छीन लिया उस डाकू के हाथ से, और उसी तलवार से डाकू के मस्तक को काट दिया। बाकी जो थे वो भाग गए। जड़ भरत जी महाराज ने देवी को प्रणाम किया और फिर अपने प्रभु का स्मरण करते हुए चले गए। भगवती भद्रकाली ने सोचा कि अगर मेरे सामने इसकी बलि चढ़ेगी और इस बलि को अगर मैं स्वीकार कर लूंगी, तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये भगवान का परम भक्त है, और भगवान के भक्त की मैं बलि स्वीकार करूं, भगवान मेरे अस्तित्व को मिटा देंगे। ये जितने देवी देवता हैं, ये सब भगवान के सेवक हैं, और भगवान के भक्त का अनादर अगर देवता भी कर दें,
तो देवताओं का भी कल्याण नहीं हो सकता महाराज, भगवान के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। इसलिए भगवती भद्रकाली भी प्रकट हो गई और भद्रकाली ने प्रकट होकर के उस डाकू को ही मार दिया। डाकू पूजा कर रहा था इसलिए कि भद्रकाली मेरे ऊपर प्रसन्न हो, लेकिन जड़ भरत जी ने काली की पूजा नहीं की थी। लेकिन काली किसके ऊपर प्रसन्न हो गई? बोले जड़ भरत जी पर प्रसन्न हो गई, डाकू पे नाराज हो गई। जबकि डाकू प्रसन्न करना चाहते, इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब यही है, बोले जो भगवान की भक्ति करेगा उस पे सभी देव भी देवता सदा प्रसन्न रहते हैं, अलग अलग किसी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति अगर जीव करता है तो सभी देवी देवता उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जापर कृपा राम कह होई, तापर कृपा करे सब कोई, उस पे सब की कृपा होती है। और भगवान की कृपा नहीं तो तुम चाहे जितने देवी देवताओं को प्रसन्न कर लो, कोई देवी देवता तुम्हारे काम नहीं आएंगे। रावण ने सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया था, सभी देवी देवताओं को अपने वश में कर लिया था, चाहे मंत्र से, चाहे तंत्र से, चाहे बल से, चाहे बुद्धि से, चाहे विवेक से, किसको वश में नहीं किया था रावण ने। लेकिन जब राम जी ने कोप किया तो कोई देवता उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुई। ये संकेत हनुमान जी ने रावण को पहले ही दे दिया था। लंका में जब पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा, लंकेश अभी भी समय है, तुम राम जी की शरण में आ जाओ, अन्यथा राम जी के कोप के भाजन जब बनोगे तो कोई देवता तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा, भगवान शंकर अपना पिनाक धनुष लेकर के आ जाएंगे फिर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा स्वयंभू चतुरानो वा, स्वयं ब्रह्मा आ जाएंगे वो भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। स्थातुम न सक्यम, वो तुम्हारे सामने, वो राम जी के सामने वो टिक नहीं सकते। इसलिए हे लंकेश तुम राम जी के चरणों की शरणागति कर लो। रावण नहीं माना, परिणाम बोले कोई देवता रावण को बचा नहीं सके। इसलिए भगवान की भक्ति से सब कुछ संभव है। अनन्य भाव से भगवान के चरणों की भक्ति हो। स्वयं गीता में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिउपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जड़ भरत जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए चले गए। इसके बाद आगे जा रहे थे, सिंधु सौवीर देश का राजा रुहुगण पालकी में बैठकर कपिल मुनि के पास ज्ञान प्राप्त करने जा रहा था। उसके पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों ने कहा, पालकी कौन ढोएगा, एक बीमार हो गया, कोई आदमी पकड़ लो, सब तो हमारे सेवक हैं, मैं राजा हूं। जड़ भरत जी को पकड़ लिया, बोले चलो पालकी उठाओ। जड़ भरत जी ने कहा चलो, महात्मा ही थे। पालकी में कंधा लगाया, पालकी लेकर के चलने लगे। पालकी लेकर के चलने का अभ्यास तो था नहीं, और नीचे देखते हुए चल रहे थे कि कहीं कोई जीव हमारे पैरों से दब करके मर न जाए। महात्मा की दृष्टि तो बड़ी सूक्ष्म होती। लिखा है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूत पिवेत जलम, शास्त्रपूत वदेत वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अगला पैर बढ़ाओ तो आंख से देखकर सामने कहां हम पैर रख रहे हैं। ये नहीं कि ऊंट जैसे चलते रहो, सिर ऊपर और पैर कहीं के कहीं पड़े। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम शास्त्र कहते हैं। वस्त्रपूत विवेद जलम, जल पियो तो छान करके पियो। शास्त्रपूत वदेत वाक्यम, कोई भी वाक्य बोलो तो शास्त्र के द्वारा समझ करके सोच करके बोलो, कुछ भी बोल दो गड़बड़ बात। मनःपूतम समाचरेत, कोई भी आचरण करो तो ऐसा आचरण हो जिस आचरण के बाद तुम्हें तुम्हारे मन को खेद न हो, मन को प्रसन्नता हो, ऐसा आचरण करो। मनःपूतम समाचरेत, तो जड़ भरत जी महाराज भी ऐसे ही थे। नीचे देखते हुए चल रहे थे कहीं किसी जीव के ऊपर पैर न पड़ जाए, कोई चींटी भी दब करके मर न जाए।
तब तक चींटियां दिखाई पड़ गई महाराज, कुछ जीव छोटे छोटे दिखे, तो जड़ भरत जी ने पैर आगे बढ़ा दिया, कूद गए कि कहीं ये दबे ना। अब पालकी लेकर के जो चले वो कूद जाए तो सोचो पालकी में बैठने वाले की क्या दशा हो। पालकी हिल गई, उसका सिर टकरा गया राजा का पालकी। राजा ने कहा ये कैसे चलते हो? सेवकों ने कहा महाराज ये नया वाला जो आया है ये ठीक से नहीं चल रहा, इसी के कारण हमारी भी गति बिगड़ रही है। राजा ने कहा ये ठीक से चलो, जानते नहीं हो हम राजा हैं। कुछ नहीं बोले जड़ भरत जी, फिर चलते रहे। फिर कुछ ऐसा ही हुआ, अब तो राजा को क्रोध आया, राजा ने कहा पालकी रोको। राजा ने पालकी रुकवाई और पालकी से बाहर आकर के राजा ने कहा अरे तुम तो बड़े उन्मत्त हो, करोमि ते चिकित्सां दंडपाणिरिव, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी दवा करना मुझे मालूम है, तुम्हारी दवा क्या है ये मुझे मालूम है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और इतना कहते हुए वो राजा बड़ा टेढ़ा वचन बोलने लगा। राजा ने कहा कितने दुबले पतले तुम हो, बड़े कमजोर हो ना, इसीलिए पालकी लेकर के नहीं चल सकते। व्यंग वचन बोलने लगा, और जबकि जड़ भरत जी महाराज तो बड़े स्वस्थ थे महाराज, कोई चिंता तो थी नहीं कि कोई उनको चिंता हो, प्रसन्न रहते थे इसलिए स्वस्थ थे। बार बार जब राजा ने इस प्रकार कहा तो जड़ भरत जी बोल पड़े। जड़ भरत जी ने कहा देखो राजन, बार बार तुम मुझे मोटा कह रहे हो, दुबला कह रहे हो, ऐसा कह रहे हो, वैसा कह रहे हो, ये मोटा होना, दुबला होना, कमजोर होना, मजबूत होना, ये तो शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं, हम तो आत्मरूप हैं और ये शरीर तो नाशवान है। शरीर तो पांच प्रकृति के तत्वों से बना है और ये नश्वर है। ये सब बातें सुनकर के राजा चौंक गया, अरे ये तो कोई ज्ञानी महात्मा है। तब तक राजा की दृष्टि गई जड़ भरत जी के कंधे पर, कंधे पर यज्ञोपवीत था, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार तो हो चुका था, वो गंदा मैला कुचैला यज्ञोपवीत कंधे पर दिखा। राजा जान गया, राजा भी सत्संगी था, राजा जान गया कोई महात्मा है, कोई ज्ञानी पुरुष है, परमहंस है। फिर तो राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोवधूतः, हे भगवन आप कौन हैं? आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है, आप ब्राह्मण हैं, कोई तपस्वी है? इस प्रकार अपने आप को छिपाकर आप विचरण कर रहे हैं। कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय न चेदसि नोत शुक्लः, आप कहां से आए हैं, आपका परिचय क्या है? अब तो मुझे आपसे डर लग रहा है। अब वो राजा कांपने लगा थर थर थर। जड़ भरत जी हंसने लगे। जड़ भरत जी ने कहा क्यों डरते हो मुझसे, तुम राजा हो, तुम्हारे पास शस्त्र बल है, तुम्हारे पास सैन्य बल है, तुम्हारे पास संगठन बल है, तुम्हारे पास जन बल है, तुम्हारे पास धन बल है, सब प्रकार का बल तुम्हारे पास, और मुझ निर्बल से तुम क्यों डर रहे हो? तो राजा रहुगण ने बड़ी अद्भुत बात कही। राजा रहुगण ने कहा कि नाहम विसंके सुर राज वज्रान न त्रक्षसूलान न यमस्य दंडात, हे विप्र जहां तक डरने की बात है तो नाहम विसंके सुर राज वज्रान, देवराज इंद्र के वज्र से भी मैं नहीं डरता हूं, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं लगता, यमराज के काल दंड से भी मैं नहीं डरता हूं, मैं निर्भय हूं। लेकिन अगर मैं डरता हूं तो केवल एक बात से डरता हूं। जड़ भरत जी ने कहा किस बात से? तो राजा ने कहा छंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात, मुझे अगर डर लगता है तो केवल एक बात से कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, किसी ज्ञानी का अपमान न हो जाए। क्योंकि संत का अपमान, किसी ज्ञानी का अपमान, किसी वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण का अपमान, तपस्वी का अपमान इंद्र के वज्र से भी ज्यादा भयानक, यमराज के कालदंड से भी ज्यादा कठोर है। यमराज के कालदंड से तो आप बच सकते हैं, लेकिन किसी संत का, किसी भगवत भक्त का, किसी ज्ञानी पुरुष का अपमान करके आप सुरक्षित नहीं रह सकते। क्यों? बोले वो तो आपको कोई दंड नहीं देगा, लेकिन उसके मालिक को पता चलेगा तो फिर उसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। इसीलिए कहा
कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जल जाता है। और भगवान के भक्त का अपमान नहीं किया, भगवान के भक्त का सम्मान करते रहे, बोले तुम्हारी हजार गलतियां भगवान माफ करते रहेंगे, जाओ मैंने माफ किया। रावण ने कितने पाप किए लेकिन रावण को भगवान ने तब तक दंड नहीं दिया जब तक रावण की लंका में विभीषण जैसे भक्त सुरक्षित थे। जब तक विभीषण का सम्मान था लंका में, विभीषण को सुख सुविधाएं मिलती रही, रावण भी विभीषण का ख्याल रखता था, भाई हमारे भाई विभीषण के घर कोई कमी न होने पावे, मेरा भाई है उसकी देखरेख करते रहो, तब तक राम जी ने रावण के ऊपर आक्रमण नहीं किया। लेकिन जिस दिन विभीषण को लात मार करके रावण ने निकाल दिया उसी दिन रावण की आयु समाप्त हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयु हीन भय सब तब ही, आयु हीन भय सब तब ही, आयु हीन भय सब तब ही, आयु ही विभीषण जी ने लंका का त्याग किया, चल पड़े। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः, चार राक्षसों को लेकर के विभीषण जी अर्धरात्रि में लंका छोड़ करके राम जी की शरणागति करने के लिए चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, अब लंका वालों की आयु खत्म, अब ये मारे जाएंगे। क्यों? बोले भगवान के भक्त का अनादर कर दिया, अब ये नहीं बचने वाले, अब तो राम जी इनको मार ही देंगे। असकहि ही चला विभीषण जब ही, तो आयु हीन भये सब तब ही, उनकी आयु समाप्त हो। राजा रघुगण ने कहा, महाराज मैं डरता हूं तो केवल इसी से कि मेरे द्वारा किसी भक्त का अपमान न हो। फिर तो जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को बड़ा सुंदर उपदेश किया। राजा रघुगण ने पूछा, महाराज आपके जैसा ज्ञान, जैसी आपकी स्थिति है, आपको दिव्य ज्ञान है, ये ज्ञान ये दशा जीव को कैसे प्राप्त हो सकती है? तो जड़ भरत जी ने कहा कि हे रघुगण, रहुगणस्तपसा न याति न चेज्जया निरवपणाद् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। जंगल में जाकर के तपस्या करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से और बड़े बड़े अनुष्ठान करने से इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। बोले तब जड़ भरत जी कहते हैं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम्, ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। जड़ भरत जी कहते हैं, जब तक महापुरुषों की चरण रज तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी तब तक जीवन में ऐसी दिव्यता नहीं आएगी। इसीलिए महापुरुषों के चरण का आश्रय लेना चाहिए। बहुत पढ़ लो, बहुत यज्ञ कर लो, बहुत पूजा विधान कर लो, लेकिन संत महापुरुषों की कृपा जीवन में प्राप्त नहीं किया तो ऐसी दिव्यता जीवन में नहीं आएगी। और महापुरुषों की कृपा हो जाए, बोले क्षण भर में जीवन में दिव्यता आ जाती है, जीवन बदल जाता है। जड़ भरत जी ने सुंदर उपदेश किया और इसी प्रसंग में भवाटवी का उपदेश किया। ये भवाटवी क्या है? ये भवाटवी माने भव माने संसार, अटवी माने जंगल। ये संसार का जंगल, इसका बड़ा सुंदर रूपक के द्वारा वर्णन किया है कि कोई व्यापारी कुछ पूंजी लेकर के व्यापार करने के लिए निकला, कोई व्यापारी कुछ पूंजी लेकर के व्यापार करने के लिए निकला, उसके पीछे चार पांच चोर लग गए, ठग। बोले रास्ते में इसको ठग लें, और वो सब उसके दोस्त बन गए, साथी बन गए, चलो चलो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी व्यापार करेंगे। उसने कहा चलो एक से दो भले, सबको लेकर के चल पड़ा। रास्ते में मौका पाकर के सब व्यापारियों ने
वो जो अन्य लोग थे वो सब उसका धन लूट लिए। अब बेचारा धनहीन होकर के चला था, धन कमाने पूंजी भी चली गई, भटकता हुआ जा रहा था भूख प्यास से व्याकुल। और तब तक भूख प्यास से व्याकुल जा रहा था पानी की खोज में, देखा एक कुआं, सूखा कुआं था, सोचा इसमें पानी मिल जाए। पानी की लालसा में वहां देखने गया, तब तक उसका पैर सरक गया, घास थी, उस घास में उसे समझ में आया नहीं, पैर सरका और उसी कुएं में गिरने लगा। तब तक उसी कुएं के ऊपर एक पेड़ की डाली लटक रही थी, वो डाली उसने पकड़ लिया। अब डाली पकड़ के लटक तो गया, अब न ऊपर जा पावे न नीचे जा पावे, डाली पकड़ करके लटका हुआ है, भूख भी लगी है प्यास भी लगी है। नीचे देखा तो उस कुएं के अंदर एक भयानक काले रंग का सर्प फुफकार रहा था, और ऊपर जिस डाली को वो पकड़ रखा था उसी डाली के ठीक ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था, उसी से मधु टपक रही थी टप टप। अब भूख से व्याकुल था, उसने सोचा चलो थोड़ी देर मधु ही खा ले, फिर किसी प्रकार टेढ़ा होकर के सिर को ऊपर करके जीभ फैला करके उस मधु की बूंद को पकड़ने का प्रयास करने लगा कि वो बूंद मेरी जीभ पर गिर जाए, मैं चाट लूं थोड़ी तृप्ति मिल जाए। एक आध बूंद गिरी, दोबारा कोशिश किया तो इधर उधर चली गई बूंद, फिर बड़ा परिश्रम किया तो एक आध बूंद मिली। अब उसी एक एक बूंद की लालसा में वो लटका पड़ा है और चाट रहा है। तब तक देखता क्या है कि जिस डाली को वो पकड़ करके लटका है उस डाली को दो चूहे काट रहे थे धीरे धीरे। वो चूहे कौन थे? बोले एक सफेद रंग का चूहा था, एक काले रंग का चूहा था, दोनों उसको कुतर रहे थे। दो प्रकार के चूहे होते हैं ना, लाल सफेद, काले और सफेद, वो दोनों उसको कुतर रहे थे। और डाली अब कटे अब कटे, अब ये डर रहा था क्या। तब तक फिर भी वो सोच रहा था अच्छा थोड़ी मधु और पी लें, थोड़ी मधु और पी लें। तब तक चूहे ने डाली काट दी और धड़ाम से कुएं में गिरा और काले रंग के सर्प ने उसे काट लिया, उसकी मृत्यु। भरत जी कहते हैं, श्री सुखदेव भगवान ये कथा सुनाते हैं, यही भवाटवी है इस संसार। ये जीवात्मा इस संसार में आया अपने पिछले जन्म के पुण्य की पूंजी लेकर के कि चलो अब आगे और पुण्य कमाएंगे। ये पुण्य की पूंजी लेकर के हम जीवन में कर्म का व्यापार करने इस संसार में आए। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी पूंजी तैयार होगी, फिर हम सुखी होंगे। लेकिन दो चार ठग साथ में लग गए दोस्त बन करके। ये ठग कौन है? बोले यही संसार का परिवार है, बेटा बेटी पुत्र पत्नी सब एक दूसरे को ठग रहे हैं। सत्य यही, हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारे अपने हैं, और तुम्हारी कर्म की पूंजी को चट कर गए, सब भोग गए, तुम अपनी कर्म की पूंजी से भी चले गए। अब बोले धीरे धीरे आप भटक गए, जब पूंजी समाप्त हो गई कोई पूछने वाला नहीं, नए कर्म कर नहीं सके, जो पिछले कर्म थे उसका फल भोग करके हमने समाप्त कर लिया, अब भटक रहे हैं, कौन पूछे, कोई पूछ नहीं रहा हमारा। जीवन में यही होता है, जब तक अपने अंदर पुरुषार्थ है तब तक दुनिया पूछती, जब पुरुषार्थ खत्म हो जाए तो बेटा भी नहीं पूछता, बार बार बुलाओ रे इधर आओ, बोले अच्छा बैठो आते हैं, बेटा भी नहीं सुनता। यही संसार की माया। उसके बाद भी उसके अंदर जीने की इच्छा शक्ति, सुख पाने के लिए दौड़ा, थोड़ा सुख मिले संसार में, सुख के चक्कर में और भी पैर फिसल गया, गिर पड़ा, मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा, यही गिरना है। लेकिन आयु की डाली को पकड़ करके लटक गया, आयु बची थी इसलिए मरा नहीं, बुढ़ापा झेलने के लिए मजबूर है। अब उसी डाली को पकड़ करके वो लटका है, नीचे काल सर्प बैठा है, काल सर्प ही मृत्यु है, और जो ऊपर से मधु टपक रहा है, ले यही सुख की लालसा है। घर में बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो कभी कभी परिवार के लोग उसका ख्याल कर लेते हैं, बाबूजी दवा खाए कि नहीं खाए, दो से मीठी दो बातें बोल देते हैं तो उसको संतोष हो जाता है, अच्छा चलो हमारे, उसके सारे अपराध को भूल जाता है और फिर उन्हीं की आशा में वो जीने लगता है। देर सवेर ला करके दो रोटी दे दी, उसके अनुकूल दो बातें कह दी, उतने में वो तृप्त हो जाता, चलो हमको पूछ रहे हैं। यही मधु की वो बूंदे हैं जिसकी लालसा में वो लटका रहता है। लेकिन वो काटने वाले चूहे कौन हैं? बोले उस डाली को काटने वाले चूहा, एक चूहा काला है एक सफेद है,
ये काला चूहा जो है वो रात्रि है और सफेद चूहा जो है ये दिन है, दिन रात बीत रहा है, आयु की डाली कट रही। लेकिन थोड़ा रस मिलेगा उस लालसा में उन अपने परिवार परिजनों के मीठे वचन सुनने के लिए, उनके दो सांत्वना भरे वचन को सुनने के लिए वो लालायित होकर के लटका रहता है, जीता रहता है। और एक दिन आयु की डाली कट जाती है और गिरता है काल, उसे समाप्त कर देता है। यही जीवन का परम सत्य है। जड़ भरत जी ने ये सब सुनाया, राजा रघुगण ने चरणों में प्रणाम किया, विदा हो गए। वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वैराग्य को उत्पन्न करने वाली कथा है। महाराज जीवन का दर्शन है, मृत्यु का दर्शन है, मरने के पहले हमें क्या समझना जरूरी है यही भागवत समझाती है। ये सब सुनाकर श्री भरत जी महाराज भगवान का चिंतन करते हुए चले गए।